अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए लिख रही हूँ, मेरे पास बेशुमार बहुत बहुत मैंने आई थिंक काउंट नहीं किए, लेकिन बहुत सारे मेरे पास DM आए हुए थे कि आप प्लीज़ ऐसा कोई मेकअप सिखाएं कि जो कि किसी छोटी मोटी गेट टुगेदर होती है या बिल्कुल नॉर्मल जो पार्टी वेयर सबसे हो। पहले मैंने प्राइमर लगा लिया है। प्राइमर के बाद जो है मैं लूँगी स्टिक। स्टिक मैंने ये ले ली है, स्टिक मैंने अपने स्किन के हिसाब से ली है एवरी। उसके बाद मैं ये ले लूँगी कंसीलर। कंसीलर मैंने मिस रोज़ का लिया है जो कि बहुत बेस्ट क्वालिटी है, और मैंने सिर्फ थोड़ा सा अंदर के कॉर्नर की तरफ लगाया है और एक बाहर की तरफ लगाया है। थोड़ा थोड़ा सा जितना मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने उतना ही लगाया है। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। मुझे नॉर्मल ही मेकअप करना है तो मैंने बिल्कुल लाइट सा जो है एवरी शेड लेके स्टिक का वो लगाया है, और उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर लगा के मैं ब्लेंड कर लूँगी। बहुत सॉफ्ट तरीके से हमने इसको ब्लेंड करना है, बिल्कुल नॉर्मल पार्टी वेयर बता रही हूँ। तो फिर ब्लेंड करने के बाद देख लें, अब मैं आईब्रोज़ बनाऊँगी। आईब्रोज़ में किस तरीके से बनाती हूँ, अच्छा आईब्रोज़ नहीं, आईब्रोज से पहले मैं बनाऊँगी, आईब्रो से पहले मैं फेस पाउडर लगाऊंगी, बनाऊंगी नहीं फेस पाउडर लगाऊंगी। फेस पाउडर मेरा शेड है 01। तो मुझे मिस रोज़ का जो आया था मेरे पास PR था, मैं उसी से ही जो है उसका रिव्यू दे रही हूँ। तो मुझे बेस्ट लगा है इसकी क्वालिटी। यार ये वाला पफ तो मैं खैर नहीं यूज़ करूँगी, मैं अपना दूसरा ही पफ यूज़ करूँगी। और हमेशा याद रखें, फेस जो पाउडर होता है इसको कभी भी घिसना नहीं चाहिए, चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए। इसको आपने टैप 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 करके लगाना होता है जो कि आपके स्किन के अंदर वो हो जाए। बहुत बेस्ट क्वालिटी है यार, बहुत ही ऑसम क्वालिटी है। और ये देखें इस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से जो है लगा लेना है। ये आपको इस वक्त बहुत वाइट लग रहा है क्योंकि रिंग लाइट बिल्कुल मेरे फेस पर रखी हुई है। तो जो है मैंने देख लिया, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, कोई ज़्यादा जम नहीं रहा। मैं नेक पे भी लगा लूँगी अच्छे से। नेक पे लगाने के बाद एक जैसा लगेगा, और कोशिश करें कि अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो नेक पे भी अच्छे से लगाएं। तो जी नेक पे भी मैंने लगा लिया अच्छे से। और जी अब आ जाते हैं हम जो है ब्लाउशन की तरफ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, अच्छा ये मैंने ले लिया है क्रिस्टिन का जो है वो कंटोरिंग जो आता है वो। तो मैं सबसे पहले फेस कंट्रोल कर लूँगी। फेस कंट्रोल देखिए मुझे लाजमी करना पड़ता है जिनका फेस मेरी तरह थोड़ा सा हैवी है। खैर मेरा पहले बहुत ज़्यादा हैवी था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेट भी मेरा काफ़ी था, तो इस वजह से मेरा फेस काफ़ी स्वाइल रहता था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि कम कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, मतलब पहले से, पहले के मुताबिक। पहले बहुत ज़्यादा मुझे कंटोनिंग करनी पड़ती थी डार्क, और अब जो है मैं बिल्कुल लाइट से कंटोनिंग करती हूँ। लेकिन ये कि अभी भी मेरी डाइट जो है, मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे थे कि यार आपकी डाइट जो है वो, जी हाँ मेरी अभी बीच में छूट गई थी, लेकिन मैं इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करूँगी तो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी देख सकते हैं मुझे अभी नीचे की तरफ बहुत कम ब्लश लगाना पड़ता है। पहले मेरे बहुत ज़्यादा जो है हैवीनेस थी फेस पे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लश करके मतलब फेस को कंट्रोल करना पड़ता था। तो मैं देख लें लाइट ब्राउन से मैंने कंटोनिंग कर ली है। तो जी ये देखिए मैं आपको अब तेजी से करके दिखाती हूँ। तो मैंने ऐसे फेस को कंट्रोल कर लिया है, और जिनका फेस हैवी है तो वो सीख लें कि नीचे की तरफ इस तरीके से कंट्रोलिंग करनी है। फिर नोज़ पे आ जाते हैं, नोज़ पे भी मैं हल्की हल्की सी कंट्रोलिंग करूँगी, क्योंकि कंट्रोलिंग फेस को बहुत अच्छा एक शेप दे देती है जो कि बहुत ब्यूटी सा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है फेस आपका। तो मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से साइड पर हल्का हल्के से लेके लगाना है, और ब्रश में जब आपने कंट्रोलिंग पाउडर लेना है, जो आप कोई से भी शेड ले रहे हो। और ये देख लें मैं जो हमारी आइज़ की जो एक बोन होती है उससे मैं जो है बिल्कुल टच करती हुई, जो आपकी एक ऊपर की वाली हड्डी होती है उससे जो है आपने टच करते हुए अपने उसको कंट्रोल करना है। और फेस के ऊपर भी इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल हल्का हल्का कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं शादी वादी में जाना है, कहीं आपको जैसे बहुत हैवी लुक देना है अपने फेस पे, जैसे कि बारात वरात के हिसाब से, तो फिर आपने डार्क करनी होती है। अभी मैं सिर्फ सिंपल सा ले रही हूँ। और जी देख ले मैंने ऊपर से हल्का सा कंट्रोल किया है। उसके बाद मैं बनाऊँगी आईब्रोज़। आईब्रोज़ बनाने का बहुत इजी तरीका है, ऐसे पहले ब्लैक लेके जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है कि यार इस तरह जगह से खाली है, इस जगह से जिस जगह से खाली आपको लगता है कि यार फिल नहीं हुई हुई, वहाँ आपने ब्लैक कलर की किसी एक तरीके से आउटलाइन बना लेनी है। फिर अंदर आपने ब्राउन कलर का मतलब फिर जो है ब्राउन और ब्लैक दोनों मिला के जो है आईब्रोज़ को अच्छा सा शेप दे देना है। और देखें बिल्कुल हल्की हल्की जो नेचुरल होती हैं मैं वही बनाऊँगी, ज़्यादा मैं डार्क नहीं करूँगी। तो इस तरीके से लेके जो
मस्कारा ब्रश कहलाता है, उस टाइप के ब्रश से आपने इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, वरना ऐसा लगेगा सामने रखा हुआ है। तो देखें कितना फ़र्क लगता है यार आईब्रोज बना के, आप खुद देखो, एक मेरी आईब्रो नहीं बनी हुई और एक बनी हुई है, ये देखो कितना फ़र्क लगता है। इस तरीके से मैंने दोनों बना ली हैं। उसके बाद मैं जो है वो ब्लश लगाऊंगी पिंक कलर में, देखिए बिल्कुल लाइट सा मैंने ब्रश कोशिश है, और मैं ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाती हूँ, तो आप ही मुझे वो हुआ कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा लगा लूँ। तो साथ साथ में जो है मेरी जो लेडी आई भी होती हैं सीखने या मेरे साथ जो वर्क करती हैं, तो अभी क्योंकि आज हमारे दो मेकअप थे तो मैं वो निपटा के बैठी थी, और मैं आईब्रोज की जो ऊपर, अच्छा ये हमारी आई सी जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, उस जगह पे मैं जो है थोड़ा सा जो है वो लगा रही हूँ ब्लैक काजल। नीचे नहीं लगाऊंगी, ऊपर लगाऊंगी, उससे आपकी आईज बहुत खुली खुली सी लगती हैं, बिल्कुल सिंपल आईज बनाऊंगी मैं। लेंग्स हिल गया था, तो ये देखें ये रहा मेरे पास बहुत अच्छा सा। ब्राउन कलर है और एक थोड़ा सा जो है ग्रे सा कलर होता है वो है। तो जी सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर लेके जो है आईज को अच्छे से जो है वो ऐसे देखें, ये देखें अच्छे से मैं, अच्छा ब्लेंडिंग सबसे बेस्ट आपकी वो होती है कि ब्लेंड आप अच्छा करें, बिल्कुल सिंपल आई से बिल्कुल भी वो मत करिएगा कि यार पार्टी वेयर के लिए तो आपने इतना सब कुछ बता दिया। तो जी बिल्कुल लाइट सा शेड है, आप खुद जब देखेंगे मेरा मेकअप तो आप बोलेंगे नहीं यार बहुत ही लाइट है। तो जी इस तरीके से जो है मैंने बिल्कुल लाइट ब्राउन लेके जो है उससे तो जी अब जो है मैं आप लोग बताती चलूँ, ब्रश जो गिर गया था तो जी ऐसा रहता ही है। और जी दूसरी आई से मैंने ब्राउन कलर को लेके जो है उसको अच्छे से, अच्छा देखिए स्किन के ऊपर आप जब शेड लगा रहे हो ना, और जब आपको लाइट कलर की शेड लगानी हो और बहुत ही मतलब लाइट पार्टी वेयर करना हो आपको मेकअप, तो आप इस आई शेड प्लेट से कर सकते हैं, बहुत अच्छा जैकलिन का। तो जी इस तरीके से मैंने जो है शेड लगा लिया है, फिर अंदर में जो डार्क शेड है जो ग्रे और पर्पल सा होता है वो वाला शेड भी लेके, उस शेड का नाम मुझे सही से नहीं पता, तो ये देखें ब्राउन कलर से मैंने किया है। उसके बाद मैं लूँगी अंदर की तरफ जो है, देखें जिस ब्रश से मैं लगा रही हूँ वो अलग है और जिस ब्रश से मैं वो ब्लेंडिंग करती हूँ वो अलग है। अब मैं ये पतले वाले ब्रश से मैं लगा रही हूँ ग्रे और पर्पल से जो शेड है वो, और देखें ये इस मैंने पतले वाले ब्रश से लगा रही हूँ लेकिन मुझे इतना सही नहीं लगा, तो फिर मैं ब्रश चेंज कर लूँगी। और ब्लेंडिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी इस वाले ब्रश से, तो साथ साथ में आयान जो है वो चीज़ों में घुस रहा है। और ये मैंने जो है दूसरा शेड लेके, वो दूसरा ब्रश लेके जो है उससे मैं जल्दी जल्दी ब्लेंड करूँगी। और जी ये रह गई हूँ दूसरी आईज में, ये देखें बिल्कुल हल्का सा बना है, बीच में हल्की हल्की सी जो हमारी एक बीच की जगह होती है वो बिल्कुल जो है आईज के ऊपर आप ये देख सकते हैं मैंने छोड़ दी है, वहाँ पे मैं दूसरा शेड लगाऊंगी। और बहुत ज़्यादा शिमरी नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल पार्टी वेयर जो मतलब बिल्कुल नहीं नॉर्मल, जो आप कहीं गेट टुगेदर या किसी की सालगिरह में घर ही घर में है, और बिल्कुल हल्का सा बहुत अच्छा लगता है मुझे ये शेड। और ये मेकअप आप बाहर कहीं शॉपिंग पे जा रहे हो, कहीं अच्छी जगह खाने पे जा रहे हो, जब भी कर सकते हो। एक ये लगाया है और एक ये लगाया है, ठीक है जी, मैं आप लोग को मैंने कन्फर्म कर दिया है। और अब मैं अंदर के लिए ढूंढ रही हूँ कि मैं कौन सा लगाऊँ, तो समझ में नहीं आ रहा। ये वाला पहले मेहरून सोचा मैंने क्योंकि पर्पल सूट के ऊपर मेहरून सा थोड़ा सा वर्क है, फिर मैंने कहा नहीं यार मैंने साफ़ कर दिया। फिर अब जो है मैं आ जाती हूँ दूसरे शेड पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस अब ये है कि मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्या लगाना है, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया मैं ये वाला लगाऊंगी, ठीक है जी। हल्का सा लेके ये देखें मैंने इस तरीके से जो है आईज पे लगा लिया है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। उसके बाद जो है देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा, अच्छा कोशिश ये करनी है अगर, अच्छा मेरे पास बहुत से लोगों ने कहा यार विदाउट लाइनर, लेकिन मुझे उन्होंने बताया नहीं कि विदाउट लाइनर क्यों है, या तो विदाउट मतलब लाइनर बहुत ज़्यादा आपको शार्प कर देता है फेस लुक जैसे आप चाहते हो, या कभी कभार विदाउट लाइनर भी मेकअप अच्छा लगे, तो ये मैंने उनके लिए बनाया है। और जी ये मैंने दिखा दिया है शेड के मैंने अंदर वाली साइड पर कौन सा शेड शिमरी यूज़ किया है, और ये शिमरी ज़्यादा नहीं है नॉर्मल होता है। उसके बाद में मस्कारा, मुझे मस्कारा में थोड़ा हैवी करके लगाऊंगी, पहले मेरा था कि मैं लैशेस लगाऊं, लेकिन लैशेस का मुझे इतना वो लगा नहीं क्योंकि छोटी मोटी सी गेट टुगेदर थी, तो मैंने सोचा यार मस्कारा, अच्छा मस्कारे को इस तरीके से करके लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो मतलब हैवी हाथ से, थोड़ा सा भारी हाथ से आपने जो है इसको लगाना है और बहुत अच्छे से इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने लैशेस लगाएंगी। बहुत अच्छी तरीके से आप अंदर की तरफ जो ग्रीन कलर मैंने लिया है ना वो लगाऊंगी, ग्रीन कलर जो पैरेट कलर होता है वही लगाऊंगी, लेकिन थोड़ा डार्क कलर। तो नीचे मैंने कहा सिंपल सा लग रहा है, उसके बाद मैंने ये दो लिपस्टिक्स लिए हैं,
और देख सकते हैं आप लोग दोनों मैट हैं। ये लिपस्टिक मैंने लगा ली है, बहुत ब्यूटीफुल सी हैं। आप कोई भी लिप कलर अपना लगा सकते हैं अपने हिसाब से, लाइट कलर। पहले मेरा डार्क मेहरून का था, ये डार्क पर्पल का था, फिर मैंने कहा नहीं यार। तो जी ये रहा जो है फाइनल लुक। उसके बाद ये मेरे पास आ गया हाईलाइटर। हाईलाइटर मैंने बहुत यूज़ किया, ये टूट गया। ये बहुत सिंपल था, ये देखिए गोल्डन कलर का। बहुत से लोग कह रहे थे यार सिल्वर सिल्वर नहीं होता हमारे पास गोल्ड भी, तो ये गोल्ड आप इस तरीके से लगा सकते हो हल्का सा। अच्छा बिल्कुल हल्का सा लेके इस तरीके से आप लोग जहाँ जहाँ मैंने लगाया आप लोग ऐसे टच कर सकते हो, बहुत अच्छे से एक नॉर्मल सा लुक आता है। अच्छा फिर मैंने जो हमारा ये हाईलाइटर की जगह होती है ऊपर आइज़ के ऊपर, जो आईब्रोज के थोड़ी सी नीचे जगह होती है, वहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा लेके लगा सकते हो। मैंने बाद में लगाया था, वीडियो में मैंने नहीं बताया क्योंकि उस वक्त कैमरा बंद हो चुका। एक कट पाउडर मतलब फेस पाउडर लेके ऐसे कट लगाएं आप अपने वाइट कलर के पाउडर से, फेस पाउडर से, उससे आपका फेस बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि नीचे कंटोरिंग भी हुई है, बीच में कंटोरिंग और ब्लश भी लगा हुआ है, फिर हाईलाइटर भी लगा हुआ है, तो वो सब चीज़ें मिक्स लग रही होती हैं आपके चेहरे पे। तो कोशिश करें कि हल्का सा आप कट दें। ये देखें कितना प्यारा सा एक वो लग रहा है नेचुरल लुक। ये देखें कितना प्यारा। बस मैं अभी बालों को थोड़ा सा जो है ना कॉम कर लूँगी, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और मैंने सिर्फ हाथों में एक दो रिंग्स पहनी हैं और गोल्ड के जो है मैंने वो कड़े ले लिए हैं। और जो लंबी वाली अंगूठी है, बहुत से लोग कहते हैं ये गोल्ड है, ये आर्टिफिशियल है, तो जी ये रियल गोल्ड है। और ये मैंने हल्के से जो है वो अपने हल्के छोटे छोटे से बुंदे ले लिए हैं गोल्ड के, और ये चैन ले ली है। इस तरीके से आप लोग ले सकते हो आर्टिफिशियल जो आप लोग पहन सकते हो या वो पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फुल आप लोग को ड्रेस दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से है ये ड्रेस, बहुत ही ज़बरदस्त ऑसम है। नीचे लेस लगी हुई है, बहुत प्यारा सा।